एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेकर आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। खबरों की शुरुआत हम लोग अफगानिस्तान से करेंगे और किस प्रकार से एक रशिया, पाकिस्तान और तालिबान नेक्सस निकलकर सामने आ रहा है, उस चीज पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि रशिया की तरफ से एक स्पेशल राजदूत जो कि अफगानिस्तान में शांति समझौता करवाने के लिए अपॉइंट किए गए हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया और उनके इस बयान से ही निकलकर सामने आ रहा है कि रशिया में पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति आ रही है। सहानुभूति क्यों आ रही है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या। उन्होंने ये कहा कि भाई अफगानिस्तान में शांति रशिया भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है और सारी नेबरिंग कंट्रीज चाहती हैं। अफगानिस्तान में अगर शांति होगी तो रशिया को पाकिस्तान तक जाने का मौका मिलेगा और दूसरे एशियाई कंट्री तक जाने का मौका मिलेगा और पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया तक आने का मौका मिलेगा, अन्य देशों को भी सेंट्रल एशिया से जुड़ने का मौका मिलेगा अगर अफगानिस्तान में शांति होती है। उन्होंने फर्दर ये कहा कि अफगानिस्तान में जो सरकार चल रही है, जो कि कह रही है कि हम अफगानिस्तान की रक्षा कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान की रक्षा कर नहीं पा रही है और इसका इल्जाम हमेशा पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है अमेरिका के द्वारा, दूसरी कंट्रीज के द्वारा और पाकिस्तान को एक बलि के बकरे की तरह बना दिया जाता है। अब ये जो बात है कि ये पाकिस्तान का हितैषी बनना, वो रशिया में कहां से निकलकर सामने आ रहा है, ये तो पाकिस्तानी न्यूज में निकलकर सामने आया है, एक आर्टिकल निकलकर सामने आया, उसमें ये चीजें थी। अब आप पाकिस्तानी अखबार में तो विश्वास करेंगे नहीं, भारतीय अखबारों की तरफ चलते हैं। आज के भारतीय अखबारों में ये निकलकर सामने आया है कि एक मीटिंग होती है जो कि रशिया के द्वारा बुलाई जाती है, जिसको एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग कहते हैं और इसमें यूएस, रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान ये रहते हैं, पहले से रहते आए हुए हैं। पर ताशकंद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो शांति हो कायम करनी है उसमें भारत भी इन्वॉल्व रहे, ईरान भी इन्वॉल्व रहे और कई कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज इन्वॉल्व रह सकती हैं और उन सबको साथ लेके चलेंगे। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग होगी तो उसमें भारत को भी इंक्लूड किया जाएगा। 11 तारीख को कहा जा रहा है कि ये मीटिंग है पर भारत को अभी तक कोई भी इन्विटेशन नहीं आया। इससे पहले इस प्रकार की मीटिंग मार्च में भी हो चुकी है, अप्रैल में भी हो चुकी है और अब ये मीटिंग हो रही है। इसके अलावा रशिया का एक अलग पीस डायलॉग है, उस पर अलग ही बात होगी, उसमें अलग स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा, पर ये जो मीटिंग है इसमें भारत को एक्सक्लूड करना ये साफ साफ बता रहा है कि रशिया को भारत की आवश्यकता नहीं है इस अफगानिस्तान मुद्दे पर, या वो नहीं चाहता कि भारत इन्वॉल्व हो इस अफगानिस्तान मुद्दे पर, या रशिया का हित नहीं जुड़ा हुआ है भारत को इस मुद्दे पर बात करने से लेकर। रशिया ने इसी मीटिंग से रिलेटेड पहले कहा था कि इस मीटिंग में जो भी जिक्र होंगे वो भारत से साझा किए जाएंगे और बताया जाएगा भारत को। तो जब भारत को बताना ही है तो मीटिंग में क्यों नहीं इंक्लूड करना है। जाहिर सी बात है कि रशिया कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है कि भारत अगर इस मीटिंग में आता है तो मीटिंग का रुख चेंज हो सकता है। कुछ जानकारों का यह कहना है कि रशिया यह सोचता है कि भारत अभी किसी को प्रभावित करने के काबिल नहीं है, वो तालिबान को प्रभावित नहीं कर सकता, किसी और संगठन को प्रभावित नहीं कर सकता, पाकिस्तान कर सकता है, चीन कर सकता है, पर भारत नहीं कर सकता, ऐसा रशिया का मानना है। और वो भारत को यह समझ रहा है कि जब शांति हो जाएगी तब भारत वहां पर कुछ ना कुछ कर सकता है और तब भारत के बस का है और भारत का असली काम तभी स्टार्ट हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन में स्टार्ट हो सकता है, पर अभी पीस टॉक में नहीं हो सकता है। यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्लोजनेस भारत और यूएस के बीच में दिख रही है अफगानिस्तान मुद्दे पर अगर बात की जाए, और रशिया और पाकिस्तान की क्लोजनेस दिख रही है। जो स्केप गोट वाली बात है, जो बलि के बकरे वाली बात है, वो धीरे धीरे बताती है कि रशिया इस मुद्दे पे पाकिस्तान के साथ है और ये जो समर्थन तालिबान को मिल रहा है वो अकेले पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। हाँ, ग्राउंड पे समर्थन पाकिस्तान कर सकता है पर फाइनेंशियल समर्थन नहीं कर सकता है। ये जो हथियार हैं वो जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ईरान से भी आ रहे हैं और कुछ रशियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा भी मदद की जा रही है इन हथियारों को तालिबान तक पहुंचाने के लिए। असल में रशिया ये चाहता है, वो पूरी तरह से ये नहीं चाहता कि तालिबान की ही गवर्नमेंट बने, वो ये चाहता है, वो ये समझता है कि अगर तालिबान यहां पर आ जाएगा तो आईएसआईएस के आने का बहुत ज्यादा डर बना रहेगा और रशिया आईएसआईएस से दूर भागता है। तो जितना हित रशिया का अफगानिस्तान में जुड़ा हुआ है वो पाकिस्तान के साथ उसको साधना चाह रहा है। वो जानता है कि भारत अगर वहां पर होगा तो किसी भी तरह से पीस टॉक जो तालिबान चाहता है वो नहीं होने देगा, इसलिए भारत की जरूरत उसको नहीं है। और किसी मीटिंग में भारत को एक्सक्लूड करना जिसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, ये दर्शाता है कि रशिया
कह तो रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को हम लोग बातचीत करेंगे, साथ रखेंगे, पर वो रखना नहीं चाहता है। वहीं बात करते हैं 25 जुलाई 2021 की, जब हमारे नौसेना प्रमुख की रशिया यात्रा हुई। उस समय कुछ सबमरीन हमारे सामने रखी गई, या हमारे नौसेना प्रमुख के सामने रखी गई, वो किलो क्लास सबमरीन थी। किलो क्लास सबमरीन भारत भी इस्तेमाल कर रहा है और कई संख्या में इस्तेमाल कर रहा है। तो उनके सामने ये सबमरीन एक टोकन मनी 1 रुपए के हिसाब से रखी गई है, पर ये 1 रुपए के हिसाब से भारत को नहीं मिलने वाली है, इसमें रिफिट करना होगा। रशिया का ये कहना है कि $250 मिलियन दीजिए रिफिट के और इस सबमरीन को आप 1 रुपए टोकन मनी पर लेकर चले जाइए। यानी कि एक सबमरीन में कुछ 1800 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इस तरह से हमारे जो 3 सबमरीन का दाम अगर मैक्सिमम भी लगा लिया जाए तो वो 6000 करोड़ रुपए में वो हमें मिल जाएगा, जबकि अभी जो हम सबमरीन बनाना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट 75I के तहत, उसमें लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए लगने वाले हैं। भारत के लिए एक अच्छा ऑफर ये माना जा सकता है, पर इसमें एक पेच है। उसमें पेच ये है कि जो नई सबमरीन बनती है वो 25 से 30 सालों के लिए चलती है, पर ये जो रिफिट वाली सबमरीन होती है ये ऑलरेडी अपनी लाइफ खत्म कर चुकी होती है। रिफिट के बाद इसको कुछ 15 से 16 साल की ही उम्र प्राप्त हो पाती है और टेक्नोलॉजी भी पुरानी मिलेगी। तो क्या भारत इसको लेना चाहेगा, क्या भारत के लिए एक अच्छा सौदा होगा, ये भारतीय नौसेना डिसाइड करने वाली है। पर जो सबमरीन की कॉस्ट है वो काफी कम मानी जा रही है। इसी तरह से हम लोगों ने जो अभी INS विक्रमादित्य हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हमने रशिया से खरीदा था। 2004 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें कि टोकन मनी की ही बात की गई थी और बाद में रिफिट करते करते उसको $2 बिलियन उसमें खर्च हो गए थे। फिर भी ये सस्ता पड़ा था, पर इतना अच्छा भी ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं पड़ा हमें। बहरहाल किलो क्लास सबमरीन नौसेना काफी संख्या में इस्तेमाल करती है, इसको क्रू को सिखाने में कोई समय नहीं लगने वाला है, इसलिए हो सकता है कि भारतीय नौसेना इनको खरीदने का मन बनाए, क्योंकि हमारे पास सबमरीन की संख्या कम भी है और इस गैप को पाटने के लिए जो प्रोजेक्ट 75I के तहत सबमरीन बनाई जाएगी, जिसमें कि लगभग 10 साल का समय तो पहले सबमरीन प्राप्त करने में लग ही जाएगा, उस गैप को पाटने के लिए 3 ये जो सबमरीन हमें प्राप्त होगी एक अच्छा सौदा मेरे हिसाब से मुझे लगता है। इसके अलावा रशिया का ये कहना है कि चेकमेट एयरक्राफ्ट जो कि सुखोई के द्वारा बनाया जाना है वो भारत को इस साल के अंत तक ऑफर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही इसके लिए दरवाजे खोल रखे हैं, कोई भी देश आके ज्वाइन कर सकता है। तो भारत के सामने वो ऑफिशियल प्रपोजल या एक फॉर्मल प्रपोजल सामने रख सकते हैं इस साल के अंत तक। भारत को डिसाइड करना है कि एयरक्राफ्ट लेना है कि नहीं लेना। अगर भारत इस एयरक्राफ्ट को लेता है तो हमारा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं जरूर पिछड़ जाएगा। बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो के द्वारा GIZ, ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, US-3 भी इसको कहा जा रहा है, तो इसके द्वारा एक बड़े क्षेत्र की जो तस्वीर है वो रियल टाइम, लगभग रियल टाइम हमें प्राप्त हो सकती है। बहुत कम समय में फटाफट ये तस्वीरें खींचकर दे सकता है, ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है। 12 अगस्त को कहा जा रहा है कि ये लॉन्च किया जाएगा, कुछ 5:43 सुबह में ये लॉन्च किया जा सकता है। अब मौसम और सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि लॉन्च समय से होता है या नहीं होता है, जो ऑफिशियल समय है वो यही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।